हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने 1 1/4 केजी चिकन के लेग पीसेस लिए हैं। ये 1.25 किलो चिकन के लेग पीसेस है। मैंने इसको अच्छे से वॉश करके अच्छे से प्रिक कर लिया था और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 लेमन जूस डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया था आधे घंटे के लिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रिक कर लिया था ताकि मसाला अंदर तक चले जाए। अब हम इसका सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप दही। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ तंदूरी रेड कलर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हीप लिया है, अगर आपको कम पसंद है तो कम भी ऐड कर सकते हो। 1.5 टेबलस्पून तंदूरी मसाला ऐड किया है मैंने एवरेस्ट ब्रांड का। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम मैरिनेशन के लिए साइड में रख देंगे। आपके पास जितना समय हो आप इसको रख सकते हो या फिर इमीडिएटली भी आप इसको बना सकते हो। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें मैरिनेटेड चिकन हम ऐड कर देंगे। सभी पीसेस को मैंने अरेंज कर लिया है। गैस का फ्लेम हाई है, मैं इसको 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर कुक कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा मैरिनेट है वो मैं बाद में ग्रेवी में यूज़ कर लूँगी। 5 मिनट्स मैंने एक साइड हाई फ्लेम पर कुक किया है, अब मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। अब गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और इसको कवर करके चिकन टेंडर होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। जब तक चिकन कुक हो रही है मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह डीप फ्राई कर लिया है। 3 to 4 पोटैटोज़ को भी मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसको सॉल्ट एंड हल्दी लगाकर इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। अगर आप इसमें पोटैटोज़ नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने 4 टमेटोज़ लिए हैं, इसको मैं मिक्सर जार में ऐड कर दूँगी। इसको मैं रफली क्रश कर लूँगी। मैंने इसको रफली क्रश कर लिया है। जो अनियंस मैंने डीप फ्राई कर लिए थे उसमें से आधे अनियंस मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और बाकी सब हम इसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। इसी के साथ 3/4 कप दही ऐड करेंगे, ये फ्रेश दही है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून काजू की पाउडर। अगर आप चाहो तो काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो या काजू को आप भिगा कर इसी के साथ ग्राइंड कर सकते हो। इसको हम रफली क्रश करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट इसको क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन हमारी अच्छे से कुक हो गई है, सभी मसाला भी ड्राई हो गया है और इसको अच्छे मार्क्स आ गए हैं। अब लेग पीसेस के बदले 1.25 किलो चिकन को बड़े बड़े पीसेस में कट करके भी आप इसको ले सकते हो। पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अनियंस को डीप फ्राई किया था। इसमें मैं 4 बड़े साइज़ की प्याज ऐड करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। अनियंस हमारे गोल्डन हो गए हैं, इसको हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, हीप्ड भर के ऐड करना है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गई है। अब गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप धनिया जीरा पाउडर एक्स्ट्रा डाल सकते हो और गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून शाही बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया है एवरेस्ट ब्रांड का। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जो मैरिनेशन का एक्स्ट्रा मसाला था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो पेस्ट प्रिपेयर किया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी।
इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसको हम कवर करके मसाला अच्छे से भून लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे, मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। और एक्स्ट्रा मसाला भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है। लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने एक कटोरी रखी है, इसमें मैं जलता हुआ कोयला रख दूंगी और इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर कर लेंगे। 5 मिनट इसे मैं रहने दूंगी और इसको निकाल लूंगी। मैंने 1 किलो बासमती राइस को पानी में सोक करने के लिए रखा था 1 घंटे के लिए। अब मैं पानी को बॉईल करने के लिए रखूंगी। पानी हमारा बॉईल हो गया है, इसमें हम खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। इसमें ऐड करूंगी 2 तेज़पत्ते, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 5 से 6 लौंग और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसमें सोक्ड राइस ऐड करूँगी। राइस को 90% कुक कर लेंगे और इसको ड्रेन कर लेंगे। राइस हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, मैंने इसको ड्रेन कर लिया है। अब हम बिरयानी असेंबल करेंगे। पॉट में फर्स्ट लेयर मैं राइस डालूंगी। थोड़ा सा राइस डालेंगे पहले, बहुत ज़्यादा राइस नहीं ऐड करेंगे। इस पर जो ग्रेवी हमने प्रिपेयर की थी वो डालेंगे। इस पर हम पूरी ग्रेवी ऐड कर देंगे। पूरी ग्रेवी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस पर 2 टेबलस्पून मैं मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें पटेटोज़ ऐड किए हैं। तंदूरी बिरयानी में पटेटोज़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। इस तरह मैं इसको अरेंज कर लूँगी। इस पर हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। इस पर दूसरा लेयर हम राइस का ऐड कर देंगे। अब इस पर मैं फ्राइड अनियंस ऐड करूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डालेंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आए। जायफल और जावित्री की पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब पूरा राइस जो बचा था वो इस पर डाल दूँ। पूरा राइस का लेयर मैंने इसमें डाल दिया है। 1 कप मिल्क में मैंने थोड़ा केसर घोला है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। जिस ऑयल में मैंने अनियंस को डीप फ्राई किया था उसमें से मैं 2 टेबलस्पून ऑयल मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हैं। येलो कलर को मैंने पानी में घोला था वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। थोड़ा सा केसरी कलर भी मैंने पानी में घोला है 1/4 टीस्पून जितना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्राइड अनियंस ऐड करेंगे। जायफल जावित्री की पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून केवरा वाटर ऐड करेंगे। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे।
अब मैं इसे फॉइल पेपर से कवर कर लूँगी। मैंने इसको फॉइल पेपर से कवर कर लिया है और इसके ऊपर मैं ये कवर रखूँगी और नीचे तवा रखूँगी और इसे गैस के फ्लेम पर रख दूँगी और इसे 5 मिनट्स मैं हाई फ्लेम पर कुक करूँगी और 20 to 25 मिनट्स के लिए मैं इसे स्लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी। बिरयानी हमारी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।